गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जीडीपी गैप। क्या करने जा रहे हैं? जीडीपी गैप। सबसे पहले जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। जीडीपी गैप मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इन्फ्लेशनरी गैप। जब एक्चुअल जो होता है, एक्चुअल जीडीपी ज्यादा होता है
हमें चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो महंगे मिलेंगे, उससे ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है तो हम जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो क्या हो जाती है, वो महंगी हो जाती है, यानी उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। यानी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज। अब गुड्स एंड सर्विसेज की जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन द प्राइसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज। ओके, ओके मैम। तो इन्फ्लेशन जब आता है तो इन्फ्लेशन की स्टेज में क्या होता है, ये चीज हमने पढ़ी थी कि एक्चुअल जीडीपी हमारा पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक्चुअल जो जीडीपी था उसके बीच में पोटेंशियल जीडीपी में जो गैप आया उसको हम कह देंगे इन्फ्लेशनरी गैप। अब डायग्राम के थ्रू और देखते हैं, और एक बार और ध्यान रखना, जो हमारा पोटेंशियल जीडीपी है वो मैंने बताया था कि कौन से लेवल पे होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होता है, ठीक है। यानी हम एक्चुअल जीडीपी कब ज्यादा होगा, जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे बढ़ के प्रोडक्शन करेंगे, दैट इज नॉट फिजिबल इन रियलिटी। ओके, ओके मैम। तो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने ले लिए प्राइस। ओके, हमारे क्या है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं हम उसकी डिमांड कम करते रहते हैं, ठीक है। ये है हमारी एग्रीगेट सप्लाई, जैसे जैसे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है और एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। Yes. अब हम कौन सी सिचुएशन कर रहे हैं, जब हमारा एक्चुअल जो है एक्चुअल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी। ओके, तो क्या है, हमारा जो एक्चुअल जीडीपी, सॉरी पोटेंशियल जीडीपी है वो हमारा वाई एफ लेवल पे क्या है, हमारा पोटेंशियल जीडीपी। वाई एफ मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। Yes, GDP at full employment level is denoted by Y. But equilibrium कहाँ है हमारा, E point पे। E point पे हमारा equilibrium है, जहाँ पे क्या है, आपका aggregate demand और aggregate supply एक दूसरे के equal है, ठीक है। यानी जो economy है वो production किस level पे करते हैं, equilibrium point पे। और equilibrium point कहाँ है, full employment level से आगे, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और जो एक्चुअल जीडीपी लेवल है इसके बीच में जो गैप क्रिएट हो गया इसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप। क्योंकि हमने क्या किया, हमने प्रोडक्शन कहां पर की, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा लेवल पे हमने क्या की प्रोडक्शन की, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इनपुट के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। इनपुट के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस और इंक्रीज हुए। अब गुड्स एंड सर्विसेज के जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, प्राइसेस इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन आना, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, ओके मैम। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिसेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का एकदम ऑपोजिट है हमारा रिसेशनरी गैप। चलिए, रिसेशनरी
गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी डिक्रीज हो जाएगी. Recession.